इस हवाले से थोड़ा ब्रीफ कीजिए। एक्चुअल में है कि जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया तो बहुत सा कोविड का प्रभाव था यहाँ पे, और उसके बाद से स्नोफॉल था तो पेंशन कैसे पेंडिंग पड़ते चले गए, तो इससे पेंशनर को भी दिक्कत होता था, हमारे ऑफिस को भी दिक्कत होता, न्यूज़ में भी आता था। उसको देखते हुए हमने स्पीडी डिस्पोजल किया है, लगभग हमारे पास 1.5 लाख केस 222 के आए थे रिवीजन के, तो उसमें से 1,48,000 हमने सेटल कर दिए। अब मात्र 2,000 बचे हैं, उसको भी हम जल्दी कर लेंगे। यहाँ पे आने का मुख्य उद्देश्य यह था कि ये बहुत रूरल एरिया है, बैकवर्ड एरिया, यहाँ से पेंशनर हमारे यहाँ श्रीनगर जा नहीं पाते, तो हम सोचे कि हम ही पेंशनर के पास जाते हैं। और आप देख रहे हैं कि बाहर जितने भी पेंशनर हैं वो जो ग्रीवांस लेकर हैं उसका निदान कर रहे हैं, आपको डेटा हम शाम तक बता दें। जो कर्नाटक की ट्रेजरी है ये अभी भी ऑनलाइन नहीं हुई है, अगर किसी को कोई काम होगा वो अपोजिट जाकर जे एंड के बैंक से ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट करवाते हैं, चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट हो वो जे एंड के बैंक से करवाते हैं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहोगे? एक्चुअल में ये स्टेट का सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी कल हमको ट्रेजरी ऑफिसर ने बताया कि ये जल्द ही ऑनलाइन हो रहा है और कुछ उनके पास इक्विपमेंट्स भी आ गए। और सब जिनको 7th Pay Commission का लाभ नहीं मिला है उनको कब तक उसका लाभ मिल जाएगा? 7th Pay Commission के लिए हमारे पास जो रिक्वेस्ट आई थी रिवीजन के लिए वो 1.5 लाख के यानी 1.5 लाख के आसपास आया था, उसमें हमने 1,48,000 के सेटल कर दिए। ऑलमोस्ट 2,000 और बचे हैं जिसमें कुछ रिकॉर्ड फाइंडिंग नहीं हो पा रहा है, वो हम अभी DDO से बात किए हैं, जैसे जैसे उनके पास से आएगा वो हम से कोई भी रिटायर होता है तो उनको पेंशन की फाइल बनाने के लिए वादी के बड़े बड़े ऑफिसों के अंदर धक्के खाने पड़ते हैं, और लास्ट पर जो इनपुट निकलता है वो भी ज़ीरो निकलता है, और इसी बीच उनके कई साल वहां पर जाकर डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। और साथ में आपको बताता चलूं कि इस टाइम भी आपके नोटिस में कई केस ऐसे आए जो श्रीनगर से कुपवाड़ा से होकर यहाँ पर आपके पास इस टाइम वो फाइलें लेके आए, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि जो पेंशनर होता है उसके लिए यहीं पर कोई फास्ट ट्रैक बनाया जाए कि जैसे वो रिटायर होता है उसकी फाइल यहीं पर कम्प्लीट की जाए? देखिए एक्चुअल में AG ऑफिस तो श्रीनगर में है, तो वहाँ पे पेंशन पेपर तो वहीं पे भेजना होगा, लेकिन फिर भी चूँकि पहले डिले होता था 5-6 महीने, अब थोड़ा स्ट्रीमलाइन हो रहा है, हम लोग ऑटोमेशन कर रहे हैं, तो इन फ्यूचर में वो विद इन 30 डेज में हो जाएगा एज पर CAG गाइडलाइन। चाहते हैं कि 80% को बेनिफिट मिल चुका है और 20% जो रहेगी वो क्यों रह चुकी? एक्चुअल में SRO 59 जो है वो 96 में डिलीट कर दिया गया, वो 96 के बाद नहीं मिलना था, लेकिन बहुत से डिपार्टमेंट ने उनको फिर दे दिया। तो AG ऑफिस का काम यही है कि जो स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन बनाती है उसको फॉलो करते हुए हम पेंशन दें। तो जो अगर जो 96 के बाद या फिर जो डिलीशन के बाद आया SRO 59 तो का लाभ मिला तो उनको हम अभी रोक रहे हैं, और इसमें हमने फाइनेंस को लिखा था, फाइनेंस ने लिखा था कि आप अगर DDO सर्टिफिकेट देता है तो आप पेंशन केस कीजिए, अगर DDO सर्टिफिकेट देता है तो हम एक केस करते हैं। DDO सर्टिफिकेट देता है कि हमने इनका सर्विस बुक देख लिया है, इनको जो लाभ दिया गया वो ड्यू था, और अगर वो ड्यू था तो हम पेंशन दे रहे हैं। जो डिजर्व करते हैं उनके नहीं मिल रहे हैं। डिजर्व अगर जो 96 के पहले लिए हैं जिसका लाभ जेन्युइन था उनको दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली जो है यहाँ से अप्रोच किया जाए थ्रू ग्रीवेंस सेल या कोई ऐसा आपका पोर्टल चल रहा है उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ? AG ऑफिस का वहाँ पे ग्रीवेंस सेल ऑलरेडी बना हुआ है, आज हमने अपना पर्सनल मोबाइल नंबर भी दिया है और ईमेल आईडी भी दिया है, किसी को कोई भी ग्रीवेंस हो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। ऐसे PRO भी बना हुआ है, PRO का नंबर AG ऑफिस की वेबसाइट पे है, वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या आप रिपीट कर सकते हैं अपना नंबर हमारे नाज़रीन को? बिल्कुल बिल्कुल, 9469455144। सर एक क्वेश्चन और, जिनके हस्बैंड या किसी का हस्बैंड सिर्फ माना जाता है निकालना है और आपका LBC में भेज दिया है कि हमने इसको पेड किया है अप टू द डेट ऑफ डेथ, क्योंकि नहीं करूंगा अगर आप LBC के बगैर भेज दें, क्यों? क्योंकि उसका इवेंट तो हो चुका होता है, फिर भी पेंशन में इवेंट हो चुका होता है, इस पर एनवेयरेबली आपको LBC भेज दी।